नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना, आइए जानते हैं इस वायरल खबर का पीआईबी फैक्ट चेक। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे महिलाएं सशक्त हो सकें और समाज में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। कई बार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही कम ब्याज पर पैसे भी दिए जाते हैं ताकि इन पैसों से वो अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके। लेकिन इन सरकारी योजनाओं के नाम पर कई बार कई साइट्स और यूट्यूब चैनल या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गलत जानकारी भी दी जाती है। साथ ही योजना का लाभ उठाने या फॉर्म भरने और अप्लाई करने के लिए वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे ही उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ये लिंक हमारे लिए सुरक्षित है भी या नहीं, जिससे वित्तीय नुकसान या अन्य साइबर फ्रॉड का सामना भी हमें करना पड़ता है। एक ऐसी ही योजना के बारे में हमें भी पता चला जहां यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना चला रही है। दरअसल इस बात की जानकारी हमें पीआईबी फैक्ट चेक के माध्यम से मिली, जहाँ किसी साइट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई थी। वहाँ इस बात की चर्चा की गई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नई योजना आरंभ की गई है जिसका नाम फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 है। हमारे देश की महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा योजना आरंभ की गई है। इस योजना के द्वारा सरकार ने हमारे देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन देने की भी बात कही है। इस योजना का नाम है पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना, जिसके तहत महिलाओं के रोजगार आरंभ करने का यह एक बहुत आवश्यक कदम था। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिलाई मशीन प्राप्त करके महिलाएं अपने घर का खर्चा भी उठा सकती हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती हैं। बता दें कि इन बातों की चर्चा पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा शेयर की गई। यहाँ पर इन बातों को बताने के अलावे वहाँ प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन सहायता योजना पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड का भी लिंक दिया गया था। साथ ही साथ पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना फॉर्म डाउनलोड लिस्ट में अपना नाम देखने की बात भी कही गई थी। साथ ही साथ इस बात की चर्चा भी की गई थी कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना था कि इस योजना का लाभ देश की सभी महिलाओं को दिया जाएगा ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा इस जानकारी को पूरी तरह से फर्जी बताया गया। पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा यह कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, यह ठगी का एक प्रयास है, कृपया सावधान रहें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप जब भी किसी ऐसी योजना के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसे सबसे पहले आप सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर पता करें। यदि योजना राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो राज्य सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी लें, और यदि योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो केंद्र सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पता करें। सोशल मीडिया पर दावा किए जा रहे किसी भी योजना पर विश्वास करके वहाँ किसी भी अनजान लिंक को क्लिक करने से बचें। साथ ही साथ अपने निजी दस्तावेज और जानकारी को साझा ना करें, नहीं तो आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।